Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep. Hi friends, welcome back to my channel. आज का ब्लॉग है दार्जिलिंग के ऊपर, तो दार्जिलिंग के टॉप 10 प्लेस दिखाऊंगा आप लोग को। तो कुछ दिन देरी हो गया है ब्लॉग बनाने के लिए, काम में थोड़ा बिजी हो गया था, थोड़ा प्रॉब्लम भी था, तो सॉरी आप लोग के लिए दोस्तों। आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए और अभी से रेगुलर ब्लॉग मिलते रहेगा आप लोग को, तो आप लोग देखते रहिए मेरे ब्लॉग्स। और चैनल पे जो नए है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, सबसे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप मेरा ब्लॉग देख सकेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का ब्लॉग, दार्जिलिंग टॉप 10 प्लेस। और जैसे भी घूमने के लिए जाइए, पहले आप लोग दार्जिलिंग जाइएगा, जब भी घूमने के लिए ब्लॉग देख के जाइए कहाँ कहाँ कैसे जाना है, कौन सा जगह, कहाँ से गाड़ी लेना है, क्या लेना है, तो आप लोग देखिए। और चलिए देखते हैं आज का दार्जिलिंग टॉप 10 प्लेस। टॉप 1 पे है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। ये ट्रेन आपको सिलीगुड़ी से मिल जाएगा, सिलीगुड़ी टाउन से। आप लोग पहले ही बुक करके रख सकते हैं टिकट। और ये ट्रेन से आने से आप लोग को मतलब पूरा सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक जितना सुंदर नज़ारा है आप लोग सब देख सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर जगह दिखाई देता है, अच्छा अच्छा जगह दिखाई देता है, पेड़ पौधा, पहाड़, पर्वत, सब कुछ दिखाई देता है। आप लोग इस ट्रेन से आइए, बहुत अच्छा अच्छा जगह देखने को मिलेगा। पूरा सिलीगुड़ी टाउन तक ये आता है और टाउन में भी ये ट्रेन चलता है, बहुत जगह घुमाता भी है, तो आप लोग इस ट्रेन से ज़रूर आइए। हो गया सिंगालीला नेशनल पार्क। सिंगालीला नेशनल पार्क दार्जिलिंग से मतलब दार्जिलिंग से कुछ ही दूरी पर है, आप लोग यहाँ भी आ सकते हैं घूमने के लिए। यहाँ मतलब बहुत सुंदर सुंदर जंतु जानवर दिखाई देता है और इसका मतलब डिस्टेंस है 1 घंटा 44 मिनट लगता है दार्जिलिंग से जाने के लिए, 36 किलोमीटर है ये पार्क में जाने के लिए। तो यहाँ भी आइए घूमने के लिए, बहुत अच्छा जगह है, तो ज़रूर आइए। और यह बहुत अच्छा अच्छा चीज़ भी दिखाई देता है और कंचनजंगा पहाड़ भी दिखाई देता है। टॉप 3 पे हो गया टाइगर हिल दार्जिलिंग। टाइगर हिल जाने के लिए आप लोग को होटल से ही मतलब पैकेज रहेगा, उसमें बुक रहेगा, नहीं तो आप लोग खुद भी बुक कर सकते हैं जाने के लिए। ये सुबह सुबह आना पड़ता है, बहुत सुबह 2 बजे करीब उठा देता है। दार्जिलिंग से इसका डिस्टेंस है 21 किलोमीटर, तो गाड़ी वाला लोग आप लोग को लेके आएगा। और बहुत सुंदर नज़ारा है, सनसेट यहाँ दिखाई देता है और मतलब पूरा आसमान साफ रहेगा, तो बहुत अच्छा नज़ारा है, मैं भी देखा था। तो आप लोग भी जरूर आइए घूमने के लिए, बहुत भीड़ होता है, आप लोग भी आइए। टॉप 4 पे हो गया ऑब्स्टेवरी हिल। तो ये मतलब टेम्पल की तरह है, बहुत मत मूर्ति है यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ भी आ सकते हैं। तो दार्जिलिंग से ज़्यादा दूर नहीं है, 1.8 किलोमीटर कुछ है, तो आप लोग मतलब कोई भी टैक्सी वाला को बोलने से ये यहाँ लेके आएगा। बहुत मूर्ति है यहाँ पर, मतलब हम लोग का हिंदू मूर्ति जो काली मूर्ति है, फिर शिव मूर्ति, दुर्गा मूर्ति, बहुत कुछ है यहाँ पर। आप लोग इस जगह भी घूमने के लिए आ सकते हैं, आप लोग ज़रूर आइए यहाँ। और ये पहाड़ के ऊपर है, बहुत ऊंचाई में। और टॉप 5 पे हो गया पद्माजा नायडू नेशनल हिमालयन जू लॉजिकल पार्क। तो आप लोग इस जगह भी आ सकते हैं घूमने के लिए। और ये मतलब दार्जिलिंग से ज़्यादा दूर नहीं है, तो कोई गाड़ी वाला लोग को बोलने से आप लोग को लेके आएगा। और आप लोग इस जगह जरूर आइए, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये टाउन पे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ पर बहुत एनिमल दिखाई देता है, जीरा, भालू, टाइगर, बहुत कुछ है, मतलब हिमालयन सब मतलब जंतु जानवर है जो पहाड़ के ऊपर रहते हैं वो सब है। तो टॉप 6 पे हो गया बतासिया लूप। बतासिया लूप मतलब टाउन से आप लोग को मतलब ज़्यादा दूर नहीं है ये, और यहाँ आने के लिए आप लोग को कोई भी गाड़ी वाला लेके आएगा। ये 15 मिनट लगता है टाउन से, 4.3 किलोमीटर कुछ है। तो ये जगह मतलब ठंडा का सीजन में आने से यहाँ बर्फ़ भी दिखाई देता है, मैं एक बार गया था ठंडा में तो बर्फ़ भी दिखाई दिया था। तो ये ट्रेन से पूरा ये जगह ये पार्क घुमाता है, तो आप लोग ट्रेन से भी घूम सकते हैं, नहीं तो आप लोग पैदल पैदल भी ये जगह घूम सकते हैं, बहुत अच्छा जगह है, तो ज़रूर आइए यहाँ घूमने के लिए। और टॉप 7 पे हो गया हैप्पी वैली टी स्टेट। हैप्पी वैली टी स्टेट दार्जिलिंग का सबसे बड़ा टी स्टेट है और ये मतलब नामी पूरा नाम किया हुआ है ये टी स्टेट। 10 मिनट लगता है, 2 किलोमीटर कुछ है दार्जिलिंग से, तो कोई भी गाड़ी वाला आप लोग को लेके आएगा टाउन से, तो आप लोग जरूर आइए यहाँ। बहुत सुंदर नज़र है, अच्छा नज़ारा है वहाँ, बहुत टी भी मिलता है, तो आप लोग खरीद के भी ला सकते हैं चाय पत्ती वहाँ से, तो थोड़ा देख के खरीद के खरीदिएगा, नहीं तो ठग किया जाता है, तो आप लोग देख के खरीदिएगा, ज़रूर आइए।
टॉप 8 पे हो गया जापानी स्पेस पकोड़ा, पकोड़ा मतलब, तो ये बुद्धिस्ट टेम्पल है, तो बुद्धिस्ट टेम्पल मतलब वहाँ पर मतलब बुद्धिस्ट आदमी भी बहुत रहता है, तो बुद्धिस्ट टेम्पल भी है वहाँ पर, तो ऐसे भी ऐसे तो बहुत है बुद्धिस्ट टेम्पल। इसका मतलब दार्जिलिंग टाउन से 3 किलोमीटर कुछ है, तो 15-20 मिनट लगता है कोई भी गाड़ी वाला लोग को बोलने से आप लोग को लेके आएगा। तो ये भी बहुत सुंदर जगह है, फोटोशूट के लिए भी बहुत अच्छा जगह है, तो आप लोग जरूर आइए छुट्टी के टाइम, बच्चा लोग को लेके आइए घूमिए। और ये म्यूजियम भी एक है। और टॉप 9 पे हो गया सिटोंग दार्जिलिंग। सिटोंग दार्जिलिंग जाना जाता है ऑरेंज वैली का नाम पे भी, तो यहाँ मतलब ऑरेंज बहुत होता है, मतलब हम लोग जो ऑरेंज हम लोग कमला लेबू बोलते हैं, तो ये मतलब यहाँ बहुत आदमी जाता है घूमने के लिए सीजन में, तो आप लोग भी जरूर आइए घूमने के लिए, बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ का, बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ है दिखाई देता है, तो आप लोग जरूर आइए। और रहने के लिए भी जगह है यहाँ पर, रिसोर्ट मिल जाएगा, होटल मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, रात को भी स्टे कर सकते हैं आप लोग, तो आप लोग जरूर आइए यहाँ। टॉप 10 पे हो गया नोरा वैली नेशनल पार्क। नोरा वैली नेशनल पार्क थोड़ा दूर में है दार्जिलिंग से, मगर यह सब आदमी घूमने के लिए जाता है, क्योंकि ये बहुत सुंदर बहुत अच्छा मतलब जगह है, यहाँ बहुत कुछ दिखाई देता है। ये दार्जिलिंग से 3 घंटा 41 मिनट लगता है, कुछ 89 किलोमीटर कुछ है, मगर गाड़ी वाला लोग आराम से लेके जाता है, रास्ता उस्ता पूरा अच्छा है, तो आप लोग भी जरूर आइए यह घूमने के लिए, बहुत एनिमल दिखाई देगा, बहुत अच्छा अच्छा पशु पक्षी भी दिखाई देगा, तो आप लोग जरूर आइए और गाड़ी भी मिल जाएगा। दोस्तों आप लोग दार्जिलिंग के टॉप 10 प्लेस देखा और कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पे जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और तो आप लोग देखिए दार्जिलिंग पूरा टूर, और आप लोग घूमने के लिए आइए, अच्छा जगह है। और आज के लिए इतना ही, आप लोग अच्छे से रहिए, सुस्त रहिए, टेक केयर, बाय बाय, टाटा, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, चलिए। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating.